नोएडा और लखनऊ में अपनी मूर्तियां और हाथी की मूर्तियां लगाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि मायावती को अपनी मूर्तियों के लिए पैसा चुकाना चाहिए। मूर्तियों और पार्कों के निर्माण का बचाव करते हुए मायावती भावुक हो उठी। उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को भेजा और कहा कि लोगों की इच्छा पर ये मूर्तियां बनाई गई। मायावती ने यह भी कहा कि जब राम की मूर्ति बनाई जा सकती है तो मेरी क्यों नहीं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन दलितों को समर्पित कर दिया। अपने इसी समर्पण की ही वजह से शादी नहीं की। मैंने जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए ये मूर्तियां बनवाई। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे अपने जवाब में कहा कि जब जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, मैंने दलितों, पिछड़ों के विकास, उनके उत्थान के लिए काम किया। गरीबों, पिछड़ों और वंचित वर्ग के लोगों ने इच्छा जताई थी, जिसकी वजह से मूर्तियां बनाई गईं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता चाहती थी कि कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न मिले। उन्होंने कहा कि मूर्तियां बनाने के पीछे का मकसद लोगों के बीच संतों, गुरुओं, समाज सुधारकों और नेताओं के मूल्यों का प्रचार करना था, न कि बसपा और खुद का महिमा मंडन करना। इन स्मारकों के निर्माण के लिए बजट आवंटन किया गया था और राज्य विधानसभा की मंजूरी भी ली गई थी। उन्होंने नोटिस के जवाब में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि मूर्तियों के निर्माण में सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल किया गया है, वो राजनीति से प्रेरित है और वो कानून का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। मायावती ने इसके साथ ही कहा कि यह पैसा शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए या अस्पताल पर, यह एक बहस का सवाल है और इसे अदालत द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। लोगों को प्रेरणा दिलाने के लिए स्मारक बनाए गए थे। इन स्मारकों में हाथियों की मूर्तियां केवल वास्तुशिल्प की बनावट मात्र हैं और ये बीएसपी के पार्टी प्रतीक का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके साथ ही हलफनामे में मायावती ने कहा है कि दलित नेताओं द्वारा बनाई गई मूर्तियों पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा जनता के पैसे का इस्तेमाल करने पर सवाल क्यों नहीं उठते। मायावती ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल, शिवाजी, एनटी रामराव और जयललिता आदि की मूर्तियों का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट मायावती के इस हलफनामे पर क्या कहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।